हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, बहुत ही खुश होंगे। फ्रेंड्स, आज डे है संडे, और संडे संडे हम सभी के लिए बहुत बिजी होता है। मॉर्निंग से ही सबकी छुट्टी होती है और हाउसवाइफ की लग जाती है ड्यूटी। तो आज संडे है और मैं भी सुबह से काफ़ी बिजी हूँ, बहुत बिजी शेड्यूल है आज का। एक्चुअली कल इवनिंग भी ब्लॉग शूट किया था मैंने, इवनिंग ज़्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन कल जो नाइट का मेरा था ना रूटीन, वो शूट किया था, लेकिन मैं वो आज आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पा रही क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आप लोग फुल वीडियो वॉच नहीं करते हैं और लाइक भी करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। मैं अच्छी और बेहतर रेसिपी हर वीडियो में आपके साथ शेयर करती हूँ, जो कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज अपने मिनिमम बजट में यानी अपने मंथली बजट में इंजॉय करते हैं। रेसिपीज देखिए, खाना तो सभी टेस्टी खाना चाहते हैं, लेकिन अपने मंथली बजट का भी हमें रखना होता है ख्याल। और पॉसिबल नहीं है कि एक हाई बजट में हम वो होटल रेस्टोरेंट वाला स्वाद लेकर आ पाए। हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता, सबका अपना अपना बजट होता है, अपना मंथली जो होता है बजट के अनुसार ही अपनी फैमिली को हमें देखना होता है, फैमिली की जरूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। तो सभी के डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते, क्राइटेरियाज होते हैं, लेकिन मैं मिनिमम बजट में, मंथली मिनिमम बजट में जो एक मिडिल क्लास फैमिली अपने डिनर, लंच और ब्रेकफास्ट के टेस्ट को बनाए रखते हैं अपनी फैमिली के लिए, वही रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप ये रेसिपीज ट्राई करेंगे तो आपको 100% वही स्वाद मिलेगा जो होटल और रेस्टोरेंट वाले और ढाबा वाले रेसिपीज में आपको मिलता है। पूरी कोशिश करती हूँ, पहले वो खुद ट्राई करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक देखिए, रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर दीजिए। वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, एब्सोल्युटली फ्री है, और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, जिससे मुझे आने वाले वीडियोज़ में मैं और क्या क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्या क्या इंप्रूवमेंट करूँ, मुझे प्लीज़ सजेस्ट करते रहिएगा, मेरा मार्गदर्शन करते रहिएगा। और प्लीज़ मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, और कैसी लगी मेरी रेसिपीज आपको, आपकी फैमिली में क्या रिस्पॉन्स रहा, प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। चलिए ज़्यादा वक्त ना वेस्ट करते हुए आज का व्लॉग शुरू करूँगी। तो यहाँ रात में ही ना सोने से पहले काबुली चना लेकर आए थे, यानी सफ़ेद छोले वाले चने। तो ये चने भी ना वैरायटीज़ में मिलते हैं, तीन तरह के चने मिलते हैं, एक छोटे मिलते हैं, फिर थोड़े एक मीडियम साइज के और एक बड़े, तो मीडियम साइज वाले छोले हैं यहाँ पर, ये देखो। और है ना एकदम फ्रेश क्वालिटी के हैं, क्वालिटी इसकी अच्छी है। कुछ कुछ होते हैं ना छोले जल्दी, मतलब उसको हम भिगा कर रखते हैं ना, तो वो थोड़े मतलब वैसे ही रखते हैं, सख्त हो जाते हैं, लेकिन ये फूल जाएंगे आराम से। बस सुबह उठी हूँ, मैंने छोले भिगा कर रख दिए थे रात को, और काम निपटा के बस सुबह उठी, सबसे पहले झाड़ू पोछा किया, अब नहा कर यहाँ पूजा कर ली थी। सुबह की शुरुआत ना यहीं से होती है, और भले कोई भी दिन हो, छुट्टी हो या फिर वर्किंग डे हो, हमारी डे की शुरुआत तो इन्हीं कामों से होती है, डेली डेली रूटीन की शुरुआत। और सबसे पहले ना ये काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ कि यहाँ तो बस सबसे ज़्यादा सुकून यहीं पे आकर मिलता है। तो बस सुबह सुबह भगवान को किया नमन, एक नए दिन की शुरुआत के लिए दिया धन्यवाद, और बस अभी सब सोए हुए हैं घर में, अभी सबकी नींद पूरी नहीं हुई फिलहाल। मैंने यहाँ पूजा करने बाद चाय रख ली है, क्योंकि सबसे पहले मुझे लगती है चाय और छोले उबाल लिए थे, कुछ आंवला डालकर ये देखो गलने तक पका लिए, छोले अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। तीन मीडियम साइज़ के टमाटर को ना मैंने पीस लिया, तो प्योरी बना ली, और यहाँ पर तीन मीडियम साइज़ के प्याज को ना दरदरा पीस लिया, यानी एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, और लहसुन अदरक लिया था 10 से 12 कलियाँ, एक इंच अदरक का टुकड़ा उसको भी पीस लिया था। तेल गरम किया, दालचीनी, बड़ी इलायची और तेज़पत्ता डाल दिया, नॉर्मल यही मसाले जो मैं डालती हूँ। गर्म होने पर प्याज देखिए इस तरह से डाल दिया, देखिए प्याज ना एकदम दरदरा ही पीसा है मैंने, मिक्सर जार में किया था, आप चाहे तो चॉप भी कर सकते हैं इसे चॉपर में। और प्याज जब ना हल्का हल्का लाल हो गया था ना, फिर लहसुन अदरक को भी दरदरा ही पीसा है मैंने, हल्का सा पानी डालकर एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाया। ये छोलों में ना जब इसके चंक्स आते हैं ना, तो खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी एक बार इस तरह से ट्राई करना, और आप चाहो तो पेस्ट भी डाल सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी ना प्याज का पेस्ट बिल्कुल मत डालना छोलों में, दरदरा ही रखना, या तो चॉप कर लेना फाइनली। बस लहसुन अदरक को भी फ्राई किया था, एक अच्छे से खुशबू आई, 2 से 3 मिनट लग गया था। मसाले ऐड किए, एक बड़ा चम्मच भरकर धनिया पाउडर डाला है, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच डाल दी तीखी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, और हाँ एवरेस्ट का छोले मसाले, आज MDH का नहीं मिला ना मुझे, तो एवरेस्ट का छोले मसाला मिल गया था वो लेकर आई हूँ, और हल्का सा 2 चम्मच पानी डालकर ना मिला लिया। सूखे मसाले जले नहीं इसलिए गैस का फ्लेम कर दिया था लो। बस यहाँ पर ना 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची डाल दी थी अच्छे कलर के लिए छोले में, एक्चुअली आंवला डाल रखा है मैंने, बस एक रोगन वाला कलर आ जाए ना छोलों में बस। और यहाँ पर ना जो आलू में पानी था वो पानी यहाँ डाल दिया है, और बस मसालों को इस तरह से चलाते हुए ना
3 से 4 मिनट कर ली है भुनाई अच्छी तरह से। मसाले ना जब अच्छी तरह से भुन जाते हैं ना, अच्छी से खुशबू आती है, तो वो जो फ्लेवर देते हैं ना सब्जियों में, वो सब्जी का टेस्ट मतलब लाजवाब होता है। फिर तो बस यही ध्यान रखना होता है। उसके बाद जब मसालों ने अच्छी से खुशबू दी थी ना, 3 से 4 मिनट हो गए, बस यहीं पे टमाटर ऐड कर दिए थे। और टमाटर को भी लगातार चलाते हुए ना इस तरह से मिला लिया मसालों में। छोले बनाना, छोले तो हर कोई बनाता है, अपनी अपनी रेसिपीज होती हैं सभी के पास। लेकिन ना एक डिफरेंट वे से बनाए और फैमिली में पसंद आए ना, तो बस वो बात ही अलग होती है। और टमाटर साथ ना स्वादानुसार नमक डाला था, नमक छोले में उबलते समय भी डाल रखा था, तो ध्यान इस बात का रखा है मैंने। यहाँ पे ढक दिया, 3 से 4 मिनट पका दिया टमाटर को, और जब ऊपर से तेल सेपरेट होता ना, जाली जाली जैसे दिखने लगे, बस उसे स्टेज पे ऐड कर दिया था कसूरी मेथी क्रश करके। अच्छी तरह से मिला दिया मसालों के साथ कसूरी मेथी को भी। और देखिए ग्रेवी को ना फिर से 3 से 4 मिनट ठीक कर लिया है मैंने इसी तरह फ्राई करते हुए। और उसके बाद यहाँ पर छोले पलट दिए थे। हाँ, छोलों में भी नमक डाल रखा है मैंने, ग्रेवी में भी नमक डाला है। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखना आप, यहाँ पर ब्लैक सॉल्ट भी हम ऐड करेंगे, तो नमक का ध्यान विशेष रखना आप। और अगर इसमें टमाटर आपने यूज़ किए ना वो खट्टे वाले, कंट्री वाले, तो खट्टे ना फिर वो नमक खींचते हैं, तो नमक उसी हिसाब से टेस्ट करके डालना, वो बाद में डाल देना वो चलेगा, क्योंकि अगर नमक ज़्यादा हो गया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और हाँ, लेकिन कम हो गया तो हम दोबारा डाल सकते हैं। ज़्यादा होने का भी सोल्यूशन है, उसे हम कम कर सकते हैं, लेकिन हाँ मैं शेयर नहीं करूँगी वो चीज़ें। बस छोलों को आराम से 5 से 7 मिनट धीमी आँच पर पका लिया, और ऊपर से ना इस तरह से देसी घी का लगाया तड़का, अदरक के लंबे लंबे लच्छे काट के डाल दिए, 2 हरी मिर्चें लंबी लंबी काट के डाल दी, इस तरह से हल्का सा लाल किया है। बस गैस का फ्लेम कर दिया है बंद, और थोड़ी सी डाल दी हींग, ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो या तो स्किप कर दो, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी डालना, अच्छा लगता है, अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। ऊपर से डाल दी कश्मीरी लाल मिर्च, गैस का फ्लेम बन गया, और मिर्च जले नहीं से पहले ही लगा दिया तड़का छोलों में ऊपर से देसी घी का, तो बन गई छोले हमारे लाजवाब। छोले बने हैं, अक्सर कहता भटूरे बनते हैं, लेकिन आज नहीं, आज भटूरे नहीं बनाऊंगी मैं, आज बना रही हूँ मैं गेहूं के आटे से कुलचा, आटा कुलचा बना रही हूँ मैं यहाँ पर। तो 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है मैंने, और इसमें ना आधा कटोरी, सिर्फ आधा कटोरी मैंने मैदा यूज़ किया है। आप चाहे तो आधा आधा यूज़ कर सकते हो, लेकिन बस बच्चों का दिल रखने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कटोरी मैदा यूज़ किया है। एक्चुअली बच्चों की डिमांड थी भटूरा बनाने की, लेकिन मैंने उन्हें आज कहा है कि नहीं, आज भटूरे से बटर खिलाऊंगी। और बस अच्छी तरह से उसमें नमक डाल दिया 1 चम्मच, और 1 चम्मच चीनी डालकर मिला लिया था। बस आधी कटोरी दही डाल दी है, दही डालने के बाद ना 1/4 चम्मच यहाँ पर डाल दिया बेकिंग पाउडर, साथ ही 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, बस दोनों को डाल दिया। और उसके बाद हल्का सा चम्मच से ना इस तरह से मिला दो, बस इसे 1 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। जब दही हल्की से फ्लप्पी हो जाएगी ना, ऊपर ऊपर से हमें जाली जाली से दिखने लगेगी, बस उसी स्टेज का करना है इंतजार। ये देखो मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ, दही देखिए जाली जाली से दिख रही है ना, बबल्स उठ रहे हैं, फ्लप्पी सी हो रही है। बस यहाँ पर 1 चम्मच पानी डाला, और इसे ये देखो है ना अच्छी तरह से मिला लिया इस तरह से मैंने। और बस नॉर्मल पानी लेकर अब आटा हमें यहाँ गूंद लेना है, सॉफ्ट आटा लगाना है, ज़्यादा थिक मतलब हार्ड आटा नहीं लगाना है, रोटी के से भी सॉफ्ट लगाना है हमें यहाँ पर, डो सॉफ्ट डो लगाना है, सेमी सॉफ्ट डो लगाना है हमें यहाँ पर। बस यहाँ पर आटा देखिए इस तरह से सॉफ्ट मैंने लगाया है, और इस तरह से मिलाकर ना मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी, जब तक आटा ये सेट हो जाएगा। 10 मिनट हो चुके थे, 10 मिनट बाद इस तरह से आटे को ना मैंने मल लिया है, बहुत सॉफ्ट आटा लगा है ये देखिए। बस आटे को फिर से 10 मिनट के लिए रख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर आलू उबले हुए तो कद्दूकस कर लिया, उसमें हरी मिर्च डाली, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक बारीक काट कर, 1 छोटा प्याज बारीक बारीक काट कर डाल दिया, एकदम बारीक काट कर डालना है हमें यहाँ पर। बस 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है यहाँ पर मैंने, और थोड़ी सी कसूरी मेथी, एक्चुअली हरा धनिया ख़त्म हो चुका था, और गुप्ता जी रात को लेट आए थे, आपको हरा धनिया तो डाल देना, थोड़ा सा काला नमक डाला है यहाँ पर, चाट मसाला बिल्कुल स्किप मत करना, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे, चाट मसाला डाल दिया है, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है। बस अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला, हाँ सफ़ेद नमक बिल्कुल मत भूलना, सफ़ेद नमक मैंने यहाँ डाल दिया है, और सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। और इसके पराठे भी बनाओगे ना बहुत टेस्टी बन जाते हैं। बस देखिए सब चीज़ों को मिलाकर मैंने यहाँ रख दिया है, आटा यहाँ फिर से मल लिया है, यहाँ पर मैंने तवा रख दिया है भाई। अब छोले बन चुके हैं ना, तो बच्चों को लग रही है भूख, और संडे वाला दिन है ना, बस खुशबू पहुँचे नाक में, और सबकी नींद खुल चुकी है, सब नहा कर हो चुके हैं रेडी, और मुझे करना है फटाफट नाश्ता रेडी, और मेरे काम अब बढ़ चुके हैं, क्योंकि आज सब लेट से उठे ना, तो कपड़े धोने अभी बाकी हैं। बस नहाने के बाद जो कपड़े निकलते हैं फिर नेक्स्ट डे के लिए मैं रखती नहीं हूँ, मुझे धोना पड़ता है, और फिर नहा कर आए ना पैर के छाप लग चुके हैं फर्श पर, पोछा दोबारा मुझे रिपीट करना पड़ेगा, मेरे काम ऐसी तरह बढ़ जाते हैं। तो बस इस तरह से ना इतनी बड़ी लोई लेकर इस तरह से पूरा बेल लिया है, ये देखो पूरा चकले के ऊपर ना पूरा हमें सभी तरफ से बेलन चलाते हुए उसे बेल लेना एक बराबर से।
आप ये सोच रहे हो कि इतनी बड़ी बने, नहीं नहीं इतनी बड़ी नहीं बनाऊंगी ना, बस यहाँ पर करना है देसी घी का इस्तेमाल। आप चाहे तो मेल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो मेल्टेड बटर इस्तेमाल करोगे ना तो नमक का हिसाब रखना, क्योंकि आप आलू में भी नमक डाल रहे हो उसी हिसाब से। तो मैंने यहाँ देसी घी का इस्तेमाल किया, दानेदार देसी घी अच्छी तरह से ऊपर लगा दिया यहाँ पर। बस अब इसे ना इस तरह से रोल करते हुए, देखो इस तरह से ना रोल करते हुए बस पूरा लपेट दो, यानी पूरा फोल्ड कर दो अच्छी तरह से, जिस तरह से लच्छा पराठा बनाते हैं ना बस उसी तरह से कर लेना है। बस अब इसे इक्वल चार पार्ट्स में कर देना है डिवाइड। बस देखो इस तरह से डिवाइड कर दिया मैंने, और अब एक लोई ले लेनी है, इस तरह से दबा देंगे। आप चाहो इसके लच्छे भी बनाओगे ना, बहुत अच्छे लच्छे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखो मैं हाथ से इस तरह से ना कटोरी का शेप देंगे और साइड साइड से पतला करेंगे, बीच से मोटा रखेंगे, लेयर्स खुल रही हैं यहीं पर देखो, अच्छी तरह से इस तरह से मैंने दबा दिया है। अब बस एक बड़ा चम्मच भर लूँगी यहाँ पर ये आलू वाला मिश्रण। तो बस इस तरह से जैसे हम पराठे बनाते हैं ना स्टफ वाले, पोटली बना लेते हैं, बस वही यहाँ करना है। बस इस तरह से लपेट लिया, इस तरह से दबा दिया और हल्का सा सूखा आटा लगा के बस इसे अब बेल लेना है। हल्के हल्के हाथ चलाते हैं, बिल्कुल भी ये मिश्रण बाहर नहीं आएगा और लच्छे भी आपको ऊपर ऊपर नज़र आने लगेंगे। तो ये लच्छा आप चाहे तो लच्छा कुलछा भी कह सकते हो इसे, लच्छा मसाला पराठा भी कह सकते हो। बस इसी तरह से बेल लेना है इसे। तो गेहूं का आटा कुलचा बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हो, इन्जॉय कर सकते हो, और इस तरह से कभी चेंज करके बच्चे खाते हैं ना तो काफ़ी इन्जॉय करते हैं। मेरे बच्चों को तो आज ये रेसिपी काफ़ी पसंद आई है, आई होप आपको और आपकी फैमिली को भी पसंद आएगी। तो प्लीज़ रेसिपी ट्राई करना, और रेसिपी पसंद आएगी ना कमेंट्स जरूर देकर मुझे बताना क्या रिस्पॉन्स रहा आपकी फैमिली का, मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो बस इसी तरह से मैंने अब बना लिया, दूसरा भी इस तरह से तैयार कर लूँगी, क्योंकि अब तो उठ चुके हैं ना तो लाइन से प्लेटें लगेंगी और प्लेटें खाली होने से पहले पहुँचानी पड़ेंगी। तो मैं लाइन से बनाती जा रही हूँ, सबसे पहले बनाकर चार पांच रख लूँगी, उसके बाद ही सर्व करूँगी, वरना फिर दिक्कत हो जाती है जब प्लेट खाली होगी ना और यहाँ रेडी नहीं हो पाएगा ना टाइम से, तीनों एक साथ बैठेंगे और फिर खाली नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो बस इसी तरह चार पांच पहले मैं बनाकर रख लूँगी, जब तक ये सिक रहा है ना तब तक मैं दूसरा भी बना लूँगी। और इस तरह से जाली जो हम सेकते हैं ना, इस तरह से जाली, क्योंकि जब हम नान बनाते हैं कुलचा बनाते हैं तो पलटते हैं तो वो तवे से अलग होकर फिर गिर जाता है गैस चूल्हे पर, इसलिए से जाली रख ली है इस तरह से कि गिरेगा नहीं। इस तरह से जाली पर रख के आप दोनों तरफ से सेक लो, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी सा दोनों तरफ से हो जाए इस स्टेज तक सेक लेना है। देखो अच्छा सा कलर भी आ जाता है और एक जाली जाली भी आ जाती है ना, दिखने में अच्छी लगती है बस, और क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाता है एकदम कुरकुरा करारा ये लच्छा कुलछा। बस इसी तरह से मैं और भी सेक लूँगी यहाँ पे, और ऊपर से लगा दो मक्खन या घी बस। तो मैं ना आपको एक तरीका और यहाँ पर बताऊँगी, तो इस तरह से भी आप सेक सकते हो। और जब मैं ना एक्चुअली यहाँ पर ना दिल्ली में स्ट्रीट पे आलू नान मिलते हैं, आलू नान वो भी इसी तरह से बनाते हैं, बस डिफरेंस यहाँ पर यह है कि जिस तरह से हम यहाँ बेल कर इस तरह से सेक रहे हैं ना गैस पर, तो बस हमें तवा रखना है और इस तरह से घी लगाते हुए दोनों तरफ से सेक लेना है। हो गया हमारा आलू नान तैयार। तो दोनों तरह से आप इंजॉय कर सकते हो, बच्चे ना काफ़ी पसंद करते हैं जब वैरायटी में एक ही चीज़ को, तो हमारी टाइम और मेहनत भी बच जाती है और वैरायटी दो तैयार हो जाती है और बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। तो बस अब मैं फटाफट बना रही हूँ और बस मुझे लगानी है प्लेटें। तो संडे का लंच ब्रेकफास्ट इंजॉय किया हमने, हाँ दोपहर को चावल बन जाएंगे, लंच भी हमारा हो जाएगा। तो इंजॉय किया है मैंने और मेरी फैमिली ने आटा कुलचा साथ में छोले। तो छोले इस तरह से बनाए मैंने, ड्राई छोले नहीं बनाए, ये छोले बनाए हैं और काफ़ी टेस्टी बने हैं और इसके साथ काफ़ी अच्छे भी लग रहे थे। तो मुझे काफ़ी पसंद है ये रेसिपी, मेरी फैमिली ने काफ़ी तारीफ़ की तो इसलिए मैंने भी आपके साथ भी ये शेयर की है, और उम्मीद करूँगी कि आपको रेसिपी काफ़ी पसंद आएगी। तो बस इसी तरह से देखिए घी लगाकर अच्छी तरह से दोनों तरफ से, ये देखिए ये भी बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ था। बस पराठे भी बन गए, बच्चों को लग रही थी भूख तो मैंने यहाँ पर अब पराठे सेकने के बाद लगा ली है प्लेट, और इस तरह से ना कुलचे पर देखिए मैंने देसी घी लगाया है, ये देखो लेयर्स खुल गए, अरे देखो बहुत क्रिस्पी करारे कुलचे बनकर तैयार हुए थे, बिल्कुल ना जैसे रेस्टोरेंट होटल में मिलता है उसी तरह से। और देखो यहाँ पर ना फिर मैंने प्लेट लगाई, उसके बाद छोले रख दिए, इसके साथ ना सिरका प्याज भी बनाया था मैंने। तो सिरका प्याज की रेसिपी मैंने पहले शेयर की है अपनी लॉन्ग वीडियो में, लेकिन मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी आने वाली मेरी वीडियोज़ में। प्लीज़ वॉच करना मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, बेल आइकन प्रेस कर लेना। यहाँ पर प्लेट लगा दी, आइए हमारे साथ आज संडे का ब्रेकफास्ट इंजॉय कीजिए, गेहूँ का आटा कुलचा आटा नान के साथ टेस्टी की छोले, साथ में सिरका प्याज और हरी मिर्च, लाजवाब ब्रेकफास्ट तैयार है आज संडे का।
हमने हमारी फैमिली ने तो काफ़ी इन्जॉय किया आज का ये संडे। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपने लाइक नहीं किया होगा वीडियो को तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट जरूर देना। और हाँ, पहली बार आए हो वीडियो पर तो बेल आइकन प्रेस करना, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आने वाली वीडियोस ना इससे भी बेहतर और अच्छी रेसिपी एक नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ आपके साथ शेयर करूंगी। गुप्ता जी ने यहाँ इंजॉय किया और काफ़ी तारीफ की आज के ब्रेकफास्ट की। आज छुट्टी है, सभी ने इंजॉय किया। और ये देखिए बस गर्मा गर्म आटा कुलचा तैयार है आपके लिए, साथ में छोले। आइए हमारे साथ इंजॉय कीजिए आज संडे का ब्लॉग, संडे रूटीन। और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सारे काम निपटाने के बाद ना बस दोपहर को ढेर सारे कपड़े थे, कपड़े करने पड़े प्रेस। रोज़ मैं कह रही थी ना अलमारी सही करी, फिर कपड़े। और गुप्ता जी और नैतिक गए थे आज ना हेयर कटिंग कराने, और आज गुप्ता जी के हेयर हो गए ज़्यादा छोटे, तो बस छोटे हो गए इनके। अरे ये देखो नैतिक तो मतलब फिर नैतिक को भी फोर्स कर रहे थे ज़्यादा छोटे हेयर करने के लिए, उसने तो कराया नहीं, और गुप्ता जी ने अपने करा लिए। आने के बाद कह रहे थे काफ़ी अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिलहाल क्या है ना जेंट्स के बाल तो जल्दी बढ़ जाते हैं फिर, और हम लेडीज़ों को जिनको बढ़ाने होते हैं तो उनको तो इतनी जल्दी बढ़ते नहीं है। दिक्कत तो यही होती है आजकल, तरह तरह के हेयर ऑयल्स आए हैं। हाँ, ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स भी जल्दी अपने वीडियोज़ में शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी आप लोग के साथ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, थैंक यू।